हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष गुबलानी एंड विशिंग यू हैप्पी होली। आप मुझे देख रहे हैं बजूका टीवी पर। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बजूका टीवी। हाय, सबसे पहले तो कैसे हो आप? हेलो एवरीवन, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे? बढ़िया। सबसे पहले तो दो दूनी चार के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी फैमिली है। आई मीन इट्स बिन एजेस जब से मैं टीवी कर रहा हूँ, बट ये ऐसा परिवार बहुत टाइम बाद देखने को मिला जहाँ सब इतने सॉर्टेड हैं, सब इतने लविंग हैं, सब इतने केयरिंग हैं। बहुत मज़ा आया। हमने एक चीज़ देखा कुछ ही दिन में, जो आपने छाप छोड़ा है, फैंस इतना प्यार करते हैं आपको कि वो आपको हर जगह पे देखना पसंद करते। कैसा लगता है वो सारी चीज़ें देखकर? बस ये प्यार है उनका, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके प्यार पे खड़ा उतरूँ। वो जो जो जैसे जैसे देखना चाहते हैं उनको वैसा वैसा दिखता रहूँ, वही किरदार करता रहूँ बस। एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट था जब आपका वो डेथ सीक्वेंस दिखाना था और शो भी ऑफर जा रहा था, ऑफर नहीं जा रहा था बिकॉज कह सकते कि TRP अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। कैसा था जब आपको ये न्यूज़ मिली? उस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा सेटबैक था लाइफ में कि यार अभी तो चालू हुई थी कहानी, एक मतलब स्टार्टिंग में जो मेरा कैरेक्टर था रोहन का कैरेक्टर वो बहुत कम था, बट ऑफकोर्स ड्यू टू लव वो कैरेक्टर बहुत बड़ा 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 और फाइनली हम लोग एक लिमिट पे पहुंच गए थे कि अब फाइनल कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, इस ट्रायंगल का कुछ करना पड़ेगा। फिर वो ट्रैक आया जहां खुद रोहन अपनी मौत प्लान करता है और वो मरने का वो सारा सीक्वेंस एंड ऑल दैट। जैसे ही वो हुआ अब मुझे लग रहा था कि अब चलो नया कुछ अवतार आएगा रोहन का, जैसा कि हर शो में होता है, बट सैडली ये न्यूज़ आई कि अब शो ज़्यादा लॉन्गर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। बट एनी वे, छोटी जर्नी थी लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी थी, मज़ा आया। पर कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना कि एज एन एकता कपूर का शो आ रहा था जिस वजह से इस शो को बंद किया गया है, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली अगर रीज़न सुनने में जो आया, रूमर्स जो हैं वो तो ये हैं कि IPL की वजह से बंद हुआ है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। वो कुछ आपस में चैनल का और प्रोड्यूसर्स का जो भी है, जो एक स्टोरी को एक पर्टिकुलर आप बोलते ना, अगर अंत आ जाए तो एक खूबसूरत मोड़ दे देना चाहिए, तो वो वाली स्टोरी थी और एक खूबसूरत मोड़ मिला और शवनी और शिवांश की फिर से शादी हो गई। एक कहानी मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर पूरा हो गया इसमें, ऐसा किसी और का हाथ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था।